आगरे का फेमस पेटा यहाँ पर मिलता है। कई सारे क्वालिटीज़ है यहाँ पे। ये देखिए केसर अंगूरी, उसके बाद रसभरी पेटा, मिक्स पेटा, गुलाब लड्डू, केसर पेटा, चेरी पेटा, स्ट्रॉबेरी पेटा, सैंडविच पेटा, पान पेटा, चॉकलेट पेटा, डालमन पेटा, सोन पापड़ी, गाजर, ड्राई फ्रूट पेटा, ऐसे बहुत सारे पेटे हैं। और ये शॉप, इन पेटे में बहुत सारे क्वालिटीज़ के पेटे मिलेंगे। अब हम आए हैं आगरा के सदर बाज़ार में। सदर मार्केट के अंदर हम आए हैं आगरा के, और यहाँ के जो फेमस चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ एक के बाद एक। तमाम चीज़ें जब भी चाहे आप यहाँ पे आ सकते हैं इस मार्केट में। पोली चौकी सौदागर लाइन चलते हुए मार्केट की तरफ, सदर बाज़ार, जो चीज़ें चाहिए हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। चलिए देखते हैं। बाज़ार यहाँ से शुरू हो गया है। ये यहाँ से हमको जाने का है। मेहंदी आरटी से इधर सदर बाज़ार इस तरह से लगा हुआ है। आगरा का सदर बाज़ार यहाँ पे लिखा हुआ है। आई लव सदर बाज़ार। ये सदर बाज़ार यहाँ से शुरू होता है। हम आगरा के सदर बाज़ार में हैं। जो भी चीज़ यहाँ से ख़रीदना चाहते ख़रीद सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल रेट में है। बहुत सारे यहाँ पर क्वालिटीज़ के चप्पल वगैरह हैं, कई सारी वैरायटीज़ हैं। अभी हम यहां से जाएंगे फतेहपुर सिकरी की तरफ, और इस एवरग्रीन होटल के अंदर हम रुके थे, एवरग्रीन गेस्ट हाउस। काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा गेस्ट हाउस है, और यहां की जो सुविधाएँ है वो भी बहुत अच्छी है। हम यहां पे मालक से मिलते हैं। ये देखिए, जब भी अगर आपको आना है तो इस लोकेशन पे ज़रूर आ जाइए। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, होटल एवरग्रीन में आप सभी का स्वागत है। ओके, आप घूमने जरूर आएँ। ताजमहल है, फतेहपुर। अच्छा, इसका एग्जैक्ट लोकेशन का ऐसा कहाँ? नियर बाई ईदगाह बस स्टैंड है, ईदगाह बस स्टैंड के पास आता है होटल एवरग्रीन। ओके, फैमिली मोस्ट फेयर है, ठीक है सर जी। तो काफ़ी अच्छा मैंने आपको जैसे दिखाया, ये देखिए जैसे ही ऐसा है वो बिल्कुल तीन फ्लोर है, आई थिंक है ना जी, दो तीन फ्लोर है। और यहाँ की जो सुविधा है वो काफ़ी अच्छी है, और बिल्कुल साफ सुथरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़रूर आना है तो यहाँ पे ज़रूर आ जाइए। आगरा के अंदर स्पेशल मिट्टी के कप के अंदर चाय मिला करती है, और ये काफ़ी मज़े लेकर इंसान यहाँ के लोग पीते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, जब भी आपको मौका मिले तो इसका मज़ा ज़रूर लीजिए। अब यहाँ से हम लोग निकले हैं इको के ज़रिए फतेहपुर सेकड़ी, और टाइम हुआ है 8:30 बजे। 8:30 बजे हम यहाँ से निकले हैं सुबह के। अभी हम ईदगाह के रोड से निकलेंगे फतेहपुर सेकड़ी की तरफ। कंप्लीट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। दुआ कीजिए आराम से पहुँच जाएँ। आगरा का खूबसूरत शहर, और ये दर है, नदी आ रही है, कौन सी है? ये पुल है, नीचे नदी है ना? नहीं नदी नहीं, लाइन है, लाइन पटरी, पटरी है।
नजदीक है सर, घूम के लाना पड़ेगा। आगरा कैंट और ये ब्रिज, आगरा की सड़कें, जीपी जा रही है, काफी खूबसूरत शहर। ये देखिए एयरपोर्ट की तरफ भी रास्ता जाता है, सीधा एयरपोर्ट है और टानपुर 66 किलोमीटर है, एयरपोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा के अंदर हमने खास बात देखे यहाँ पे, जैसे हमारे इधर केले जो है ये डजन के हिसाब से मिलते हैं 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, यहाँ पे केले जो है वो तो किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो भाई कैसा किलो है? 40 रुपये दे दो एक किलो, देखने दे कितने आते हैं, डाल दो वो, डाल दो वो। ये देखिए यहाँ पर किलो के हिसाब से केले मिलते हैं यहाँ पर। चलो हम देखते हैं कि कितने बैठते हैं किलो के अंदर। गाइस ये देखिए यहाँ पर ये किलो में केले डाल रहे हैं, 1 किलो का ये वजन है और 1 किलो के अंदर यहाँ पर केले जो बैठे हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किले बैठ जाते हैं किलो के हिसाब से, है ना। ये देखिए 8 किले बैठे और हम आधा किलो लेते हैं, और आधा किलो दे दो वो वाला, दे दो वो वाला, उसमें से नहीं नहीं ये बाजू का, अच्छा ठीक है दे दो और आधा किलो लेते हैं। अब ये देखते हैं, ने लगभग हिसाब वही होता है जैसे अपने इधर 50 रुपये, 60 रुपये महाराष्ट्र पे मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर किलो के हिसाब से मिलते हैं। और 12 केले ही यहाँ पर बैठ गए हैं वज़न में, अच्छा 13 केला ने, 1 केला ज़्यादा बैठ गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, तो ज़रूर देखिए और ज़रूर शेयर कीजिए हमें आगरा के अंदर, आगरा सिटी के अंदर। जो ड्राइवर है दोस्तों वो आपको आज पेटा कैसा बनाया जाता है ये आपको बताएंगे। तो बताइए कैसा पेटा बनाया जाता, बोले फल उन्होंने बताया काशी फल जो रहता है इसका वो पेटा बनाया जाता है। और मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को पेटा लिया हूँ, मगर पेटा ज्यादा नहीं खा सकते, बहुत मीठा रहता है। फतेहपुर सीकरी आगरा के पश्चिम की तरफ 37 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आगरा के नेशन हाईवे पर है। ये सीकरी नामक एक छोटा गांव था जहां कुछ पत्थर काटने वाले रहते थे। जब अकबर बादशाह ने गुजरात पर जीत हासिल की, सीकरी गांव में सूफी संत जो थे इनको मिलने के लिए चले जाते हैं। सूफी संत को दुआ करने के लिए कहते हैं कि मरियम उर्फ जमानी को औलाद हो। 30 अगस्त 1568 में जोधाबाई उर्फ मरियम जमानी को एक लड़का होता है, उसी का नाम सूफी संत के नाम पर रखा जाता है, मोहम्मद सलीम के नाम से जो जाना गया, जिसने जहांगीर के नाम से गद्दी संभाली, तख्त नशीन हुआ। अकबर ने इस जंग को अपने लिए बहुत अच्छा समझा, क्योंकि इसी वजह से उनकी किस्मत चमकी थी और उन्हें लड़का नसीब हुआ था, इसी कारण उन्होंने इस जगह को अपनी राजधानी बनाए थे।